गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई विश आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. ओके, सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. यस, and there are five vowels. There are five vowels: A, E, R, O, and U. Let's read again: A, E, I, O, and U. A, E, R, O, U. Yes, English alphabet में 26 letters होते हैं. Okay, जिनमें से 5 letters क्या होते हैं? Vowel होते हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, 5 letters हमारे vowel letters होते हैं. वो 5 vowel कौन, वो letters कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. Yes, हमारे 5 वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आ, ओ, यू. यस, हमारे वॉवल्स कौन कौन होते हैं? वॉवल साउंड्स ए, ई, आर, ओ एंड यू. ओके, देखिए वॉवल 5 होते हैं. वॉवल कितने होते हैं? 5 होते हैं. ए, ई, I, O, U. Vowel sounds जो letters होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं. कौन कौन से? A, E, I, O, U. A, E, I, O, N, U. मेरे साथ फिर से repeat करो. A, E, I, O, N, U. These are our vowel letters. Yes. A, E, I, O and U. ये हमारे vowel letters हैं. A, E, I, O, U. Yes. As you know, vowels. As अभी आपने क्या पढ़ा? Vowels के बारे में पढ़ा. आगे हम consonants के बारे में भी पढ़ेंगे. पहले हम एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं कि vowel letters कौन कौन से होते हैं. Vowel letters 5 होते हैं. कौन कौन से? A, E, I, O, N, U. हमारे vowel letters कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, N, U. Yes. हमारे letters कौन कौन से होते हैं vowel के? देखो A, E, I, O, N, U. ये हमारे क्या हैं? Vowel letters हैं. Yes. English alphabet में 26 letters होते हैं जिनमें से 5 vowel letters होते हैं. कौन कौन से? A, E, I, O and U. Very good. A, E, I, O and U. आपने जाना कि vowel कितने होते हैं. आपको पता चल गया, आपने vowel के बारे में पढ़ लिया. अब we are going to read about consonant. Yes, अब हम consonant के बारे में पढ़ेंगे. आप अब ध्यान से देखना. English alphabet के जो 26 letters होते हैं, English alphabet के जो भी 26 letters होते हैं, ठीक है, उनमें से हमारे 5 क्या होते हैं? Vowel होते हैं. 5 क्या होते हैं? Vowel letter होते हैं. और इन 5 के अलावा जो भी बच जाता है वो हमारा क्या होता है? Consonant होता है. Yes. चलो सबसे पहले वी विल काउंट की कॉन्सोनेंट्स लेटर कितने होते हैं. लेट्स काउंट विथ मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. Yes. कॉन्सोनेंट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 21 लेटर्स होते हैं. यस, यानी हमारी कॉन्सोनेंट्स में कितने लेटर होते हैं? 21 लेटर होते हैं.
इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वॉवल होते हैं और बाकी के 21 लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, यस। तो हम अब पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। यस, लेट्स रीड अगेन। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। दीज आर आवर कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये हमारी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। ये कितने होते हैं? ये 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करना। हमारे जो भी वॉवल लेटर्स होते हैं वो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। ओके, आप सबको आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो अब मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग मुझे बताओगे। आपके सामने ये क्या है? यस, ये हमारे अल्फाबेट हैं। यस, ओके। सो एक बार हम रिवीजन कर लें जो हमने पढ़ा। इंग्लिश अल्फाबेट है। ये क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। यस, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वॉवल होते हैं। यस, जिनमें से 5 लेटर्स क्या होते हैं? वॉवल होते हैं। वेरी गुड। और बाकी के 21 लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। यस, बिल्कुल सही जवाब। बाकी के 21 लेटर्स हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वेरी गुड। चलो तो अब हम पढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे और मैं पूछूंगी, ठीक है? चलो आप लोग मुझे बताओ कि ए हमारा वॉवल लेटर है या कॉन्सोनेंट लेटर है? वेरी गुड। एंड बी हमारा वॉवल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर है? वेरी गुड। ओके, चलो एक गेम खेलते हैं। ओके, लेट्स प्ले अ गेम। हमें अब क्या करना है, जो भी वॉवल साउंड्स हैं उन्हें सर्कल करने हैं। ओके, और आप लोग मुझे बताओगे। मैं ये सर्कल करूं? यस, ए, यस, ई, ओके, आई, ओके, आई, बताओ बताओ। ओ, अच्छा, ओ, बताइए, यू, ओके, वेरी गुड। आप सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ए, ए, ई, आई, ओ, यू, these are our vowel letters. Very good answer. Okay. अब हमें क्या करना है? अब हमें consonants को एक बार read करने हैं। चलो पहले हम vowel letters read करेंगे, फिर हम consonant के letters read करेंगे। Start करते हैं। पहले vowels देखो। A, E, I, O, and U. These are our vowel letters. Let's read consonant letters. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Very good. तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। आप हमेशा बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हो। वेरी गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगता। वैसे आप लोग स्कूल को बहुत मिस करते हो ना? दैट्स ट्रू, स्कूल भी आप लोगों को बहुत मिस करता है। आई विश कि हम बहुत जल्दी मिलें और आप लोग जल्दी जल्दी से स्कूल आओ, फिर हम क्लास में बैठ के ऐसी पढ़ाई करेंगे। ओके, ठीक है।
ओके थैंक यू क्लास इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। बाकी की चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय बाय चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।